जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक करते हैं यूट्यूब पे एंड फेसबुक पे सब भाइयों को। दोस्तों आज माशाल्लाह से मैं मौजूद हूँ उस्ताद नौमी गुज्जर साहब की छत पे, जहाँ पे दोस्तों इन्होंने सेंचुरियों पे सेंचुरियाँ मारी हैं और आमने सामने छतों से भी मुकाबले विन किए हैं और 3 रोज़ा और 5 रोज़ा भी गुजरांवाला से जो है वो विन किया। वो सारी तस्दीक आगे जो है ना वो ये हमारे मीडिया पर्सन है, ये देखें माशाल्लाह से जो कि इशफाक साहब हैं, उस्ताद इशफाक साहब। तो बाकी दोस्तों वीडियो का आगाज़ जो है ना मैं इनसे करूँगा, बाकी पीछे उस्ताद साहब बैठे हुए हैं, उस्ताद नौमी गुज्जर साहब। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। तो आगे जी जो वो मैं करता हूँ, जो सारी बात जो है ना वो इन्हीं से शुरू करेंगे उस्ताद इशफाक साहब से आज का आगाज़ दोस्तों, क्योंकि पहले मैं सारी वीडियो जो बनाता हूँ सारे उस्तादों का मतलब इंटरव्यू लिया है, आज जो इंटरव्यू लेंगे ना मेरे चैनल से वो उस्ताद इशफाक साहब लेंगे, क्योंकि इनकी वीडियो में दोस्तों मिठास बहुत ज़्यादा होती है और जो बंदा एक मरतबा वीडियो मतलब स्टार्ट कर लेता है ना तो उसका दिल नहीं करता कि वीडियो को बैक करने के लिए। तो इसके लिए मैं कैमरे का रुख करूँगा इनकी तरफ और ये उस्ताद साहब से जो है ना वो सारी गुफ्तगू करेंगे। आप सब भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो नए भाई हैं यूट्यूब चैनल पर वो ज़रा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो फेसबुक पर हैं वो फॉलो कर लें। तो बाकी जी कैमरे का रुख करते हैं उस्ताद इशफाक साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है उस्ताद जी? ठीक है, ठीक है। अच्छा उस्ताद जी, आज तक मैंने तो मतलब काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, आज मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल से जो है ना वो उस्ताद नौमी गुज्जर साहब का इंटरव्यू लें, ठीक है? इनसे जितने मुकाबले इन्होंने जीते हैं अब तक उनका सारा बयान करें और मतलब अब तक कितनी करें, मैं आपकी साल गाइडेंस करता हूँ, हेल्प करेंगे, दोनों भाई मिल के करते हैं काम। देखें ये जो सोशल मीडिया का दौर है ना, कोई आपका और मेरा काम नहीं, वाचिंग व्यूज तकरीबन देखे जो देखने व्यूवर्स हैं ना आपके और मेरे तकरीबन सेम ही होते हैं। एक वक्त में बंदा के लाखों बंद हो गए, कितने जो सोशल मीडिया पे बंदे हैं मीडिया पर्सन एंकर्स हैं उनको फॉलो करते हैं लाइक करते हैं, कोई बात नहीं भाई। देखे आप बड़े हैं हमसे, ठीक है? उस्ताद कोई बात नहीं भाई, सीनियर जूनियर का लिहाज से ठीक है बात। बाकी इसलिए मैं मेरी जनाब पहली मुलाकात है। क्या नाम है आपका? बाबर अली नाम। बाबर अली क्या फेसबुक का पेज का नाम? पिजन क्लब। पिजन क्लब। देखे दोस्तों ये होता ना बात, हालांकि सोशल मीडिया पर रह के भाई से पहली मुलाकात है, ये नौमी भाई और उनके मामू जानते हैं कि ये तो काम कर रहे हैं, लेकिन यह है कि मेरी दोस्तों से ये नौजवानों से बेहतर है कि जिस तरह हम इस शौक की कावश के लिए बेहतरी के लिए कावश कर रहे हैं तो बड़ी खुशी होती है कि गुजरांवाला से भी बड़े नौजवान हैं जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज थोड़ा सा तारफ मैं इसलिए दोस्तों को अपना करवाना चाहूँगा कि गुजरांवाला से के प्लेटफॉर्म से मुझे तकरीबन 1998 ये दोस्तों को जानना चाहिए। मेरा बताने का मकसद ये नहीं कि मैं अपनी तारीफ या अपनी नुमाइंदगी कर रहा हूँ, सेल्फ प्रेज़ कर रहा हूँ, मेरा मकसद ये है कि नुमाइंदगी करते हुए इस शौक में कितनी देर हो गई है। 1997 से 1998 खबर अखबार में साफ सहेल जफर साहब, नयाब हैदर और जिया शाह साहब थे गुजरांवाला से, मैं उस वक्त शुरू की हुई है और 2004 से ऑन दी रिकॉर्ड जो पन्ने कबूतर परवीन जो पहला मैगजीन था ना पर्स गैलरी था उधर से 2004 से लेकर अभी तक मैं नुमाइंदगी उनकी कर रहा हूँ। और अब जो सोशल मीडिया का दौर है गुजरांवाला से मैं अपना एक चैनल प्लेटफॉर्म तैयार किया था इशफाक नज़ीर मेरा शौक, वो भी दोस्त जानते हैं फेसबुक पर चलाते हैं, तो जो दोस्त हैं मेरे ये दोस्त आज हमारे पास आए हैं, बड़ी खुशी हुई है कि ये हमारी छत पर आए हैं और काम कर रहे हैं। हमारी जनाब तमाम तर नए खासात के साथ हैं कि ये जो दोस्त हमारी हेल्प चाहिए बल्कि हेल्प क्या तारफ करवाते हैं, ये मेरे छोटे भाई हैं सर जी नौमी गुज्जर साहब की तरफ, भाई कह ले दोस्त कह ले जो मर्जी कह ले, तीर भाई है हमारे उसके साथ, मामू हैं चौधरी नदीम गुज्जर साहब, गुज्जर बरादरान है, पहले भी माशाल्लाह ये चैम्पियन गुजरांवाला थे और इन्होंने अपने जो रिकॉर्ड को दोबारा रिपीट किया है, ये चैम्पियन गुजरांवाला बल्कि इस वक्त कह सकते हैं कि ये पहले नौमी भाई कितनी कार चैम्पियन थे, 2018 में भी चैंपियन हुए हैं, फिर उसके बाद 2020 में भी कार चैंपियन हुए, कार चैंपियन है, 2019 में भी थर्ड पोजीशन थी, एक कबूतर पहले दिन बैठ के मर गया था, फिर 10 दिन वो आगे वो उठता रहा, फिर इस वजह से थर्ड पोजीशन थी 2019 में, 21 उड़ाया नहीं था, तो 23 में भी चैंपियन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। इस बार मतलब जिस तरह का वेदर उस्ताद जी रहा उस वेदर के हवाले से भी अगर देखे तो माशाल्लाह परफॉर्मेंस जो है ना वो सेंचुरियों पे सेंचुरियां लगी हैं, वेदर में कबूतर बैठे ही नहीं कई घरों के, सुबह सुबह बैठ गए मेरे प्यारे भाई हमारी, ये मैं चाहूँगा कि दोस्तों को देखे हम भी सीखे हैं और दूसरे दोस्तों को भी सीखना चाहिए, ये जो वेदर वूदर होते हैं ना ये सारा गेम का हिस्सा है, बारिश मौसम ये सभी के लिए हमारे किसी के लिए बराबर नहीं, पार्ट ऑफ गेम है,
ये ना किसी दोस्त बुरा भला किसी को जी फलां किसी ने कहा और ये ने कहा, प्लेयर वो होता है जो हर मौसम के साथ लड़ता है। अब देखे सुबह बारिश हुई है सियालकोट में जी जी, पीर मौजी शाह साहब के कितने बैठे हैं टोटल बैठ गए हमारा 200 जो हम उनसे आगे जा रहे थे जी, तो दूसरी तीसरी परवाज में ना हमारे इधर कबूतर गुजरा में बारिश ज़्यादा थी बैठ के थे सुबह ही, उस दिन वो ना हमें फाइट करके ना आगे चले गए, तो उनके तकरीबन सेंचुरी बना गए थे हमारे 46 घंटे बने थे, और आज उधर बारिश हो गई है तो हमारे कबूतर उड़ रहे हैं, तो ये लक ही की बात है। ये सुबह भी हुई है, यहाँ पे भी हुई है, इधर भी हुई है, लेकिन बात है कि ये परिंदे को जो उड़ गया या मालिक ने जिसको इज्जत देनी है उसके हिस्से में आनी है, बेशक ये पार्ट ऑफ गेम है। कहीं देखना पंजाब में भी फिलहाल मौसम साफ होगा, आज गुजरात में कई जगह बारिश हुई है, कई जगह पे नहीं हुआ, सियालकोट तो बहुत ज्यादा बारिश है, गुजरात भी मैं रमीज भट्टी साहब को देख रहा था वो बहुत तेज बारिश है, झेलम में भी, तो ये देखे जो पंजाब लेवल पे जब आपने खेलना है तो ये आप अगर कहें ना मौसम या गर्मी या जो बंदे पीछे रह जाते ना वो उधर बहाने ढूंढने लग जाते हैं, मौसम नहीं मिला, ये नहीं हुआ, कबूतर बड़े तगड़े थे, ये सब चीज़ को मद्देनजर रखते हो। अच्छे प्लेयर जो है ना देखे हमारी टीम है, ये नदीम भाई हैं, तो दो देखे बंदे करें उधर माशाल्लाह, ये टीम वर्क का काम है, इतने बंदों की मेहनत काबिश है पीछे ये सारी परफॉर्मेंस के, इन दो में गुजर साहब के जो तकरीबन 3-4 माह से आगे बैठे हुए बरूने मुल्क से। अच्छा इनका ये साजी जो मैंने देखी है ना बात आपके, मतलब शौक भी कर रहे हैं और आउट ऑफ कंट्री भी हो रहे हैं आप, ठीक है, उसमें बाहर इतनी देर रहना फिर आके शौक को भी बहा रखना और सेंचुरियों पे सेंचुरियां मारनी, और आमने सामने भी आपके माशाल्लाह इतनी छते हैं उनसे आप नीड पे जाना आगे, कैसे ये सारी चीज़ें कर रहे हैं? बस मैं समझता हूँ अल्लाह पाक का खुसूसी करम है, अल्लाह पाक का खुसूसी करम है, सब दोस्तों की मेहनत है और लोगों की दुआएं हैं हमारे साथ, और मैं समझता हूँ कि एक मेहनत ही है जो 5 मंथ हो गए मुझे आए हुए सऊदी अरब से, पहले मैं कभी नीचे नहीं बैठा शौक, इस बार पहली दफ़ा मैं बैठा हुआ हूँ शौक में, 5 मंथ हो गए हैं, तो अपनी तरफ से तो कोशिश की है दिन रात ना, दिन भी यहाँ और रात भी यहाँ, तो अल्लाह पाक की ज़ात ने सिला दी है, सब दोस्त भाई मिल के शौक करते हैं, पहले भी एक दफ़ा बताया भाई शफाक हैं, ये भी जब फारग होते हैं अपने टीचर हैं माशाल्लाह, ये भी जब भी फारग होते हैं मेरा इनसे काफ़ी प्यार है, और उस्ताद मोइनवा साहब के ये शगीर्द और उस्ताद भी हैं, तो हम इधर शो करते हैं आप, आगे आप भी माशाल्लाह जो ना वो सारा ये जो दारों दर उस्ताद मोइनवा साहब का है। हाँ जी क्या उनके मिल बैठ के ना, ये भी उस्ताद के शगीर्द उस्ताद हैं, तो मिल बैठ के इधर ही मेरे पास ही शो करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह टीम वर्क है, 8-10 भाई हैं हम सब, मामू हैं, 2 मामू हैं, गुफ्तार है, ये भाई शुहाग है, वो भाई यूनिवर्सिटी ढलाई वाले हैं, उनके भाई हैं, और 2-4 अपने दोस्त हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट है इन लोगों को, बाकी सब ये टीम वर्क या सब टीम का काम है, ये सब मेहनत ये टीम की है, ये भी दूसरी बात है कि वो जो 2 भाई हैं ये देखे यूनिवर्सिटी ढलाई वाले की छत थी, वो 2 सारी छत क्लोज करके ये हम भाई हैं आपस में, देखना सारे मिलके जितनी जान लगा रहे हैं बेहतरी के लिए जी, हर बंदा चाहता है कि फ्यूचर में वो कमी कमजोरी ना रह जाए, बड़े हमें शुक्र है मालिक कायनात का शुक्र अदा करना चाहिए कि वो हमें बड़ा नवाज रहा है, वो जी उसका जितना शुक्र अदा करे वो कम है। उस्ताद जी कितने घरों से जो है ना वो आपके आमने सामने 28-30 घरों से 1-to-1 मुकाबले हैं, जिनमें से 2 से अल्हम्दुलिल्लाह जीत गए हैं, बाकी चल रहे हैं कुछ 5-6 से आज फाइनल है, इस तरह बस चल रहा है। अच्छा उस्ताद जी हिट भी है और एवरेज भी है? 1-2 से बस एवरेज है अकेली, बाकी सब से हिट और एवरेज भी है, किसी से 3 फॉर्मेट भी लगे थोड़ा, वो ना थोड़ा सा बताएं थोड़े क्या अपडेट चल रही है आपकी अभी बाजियों की, तकरीबन 4 से आ रहे हैं के साथ? हां जी अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 कह सकते हैं आप जो प्लेयर हैं जो हमसे आगे हैं, तो बाकी के साथ सब के साथ टफ मुकाबला चल रहा है, कुछ के साथ हम आगे हैं कुछ के साथ लेवल है, बस इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। आज की क्या परफॉर्मेंस है आपकी? आज की 5 कबूतर बैठ गए हैं, पहला बैठा है 12-28 पे, दूसरा 2-37 पे, तीसरा 4-11 पे शायद, और 4-40 और 4-41 पे 5 कबूतर बैठ गए हैं हमारे यहाँ माशाल्लाह, और ये जोड़ी सामने आई हुई है ये देखें दोस्तों, 3-3 ये सामने है, ये देखें दोस्तों ये सामने आए हुए हैं, बाकी माशाल्लाह टाइम भी हो गया जी 6:00, 6:45 का टाइम हो गया माशाल्लाह, बड़ी अच्छी एवरेज चल रही है, और ये सारी दोस्तों बाकी माशाल्लाह से भाई बैठे हुए हैं, ये देखें मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं सारे उस्ताद नमी गुजर साहब के साथ होते हैं जो कि मेहनत कर, ये सारा छत का दोस्तों व्यू है, ज़रा मैं सेटअप भी आपके साथ ज़रा शेयर कर देता हूँ सारा मुकम्मल, बाकी दोस्तों ये माशाल्लाह से उस्ताद नमी गुजर साहब की छत है, और परिंदे आपने देखे हैं जिस तरह से दोस्तों उड़ के आ रहे हैं,
माशाल्लाह बड़ी अच्छी एवरेज और सेटअप बड़ा कमाल का बनाया हुआ है। ये देखें उस्ताद नौमी गुज्जर साहब ने जी, ये देखें दोस्तों नीचे सारी फैक्ट्रियाँ हैं, ठीक है। ये सारा सिटी एरिया ज़िला गुजरांवाला, ठीक है। सारा तीन रोज़ा भी पहले दोस्तों इन्होंने जीता है और आगे पाँच रोज़ा भी जीता है। और आगे दोस्तों मौसम के वेदर के हवाले से भी अगर देखा जाए तो यार बड़े मतलब मामला इस तरह के बनते आए हैं, बैड लक भी होती रही है, सारा कुछ होता रहा, बाकी फिर भी सेंचुरी पे सेंचुरी होती रही है। माशाल्लाह बड़ी सेंचुरियाँ इन्होंने जी मारी हैं। तो आगे जो है ये ज़रा आपके साथ लिस्ट भी शेयर कर देते हैं चले देखने वाले भाइयों के लिए। ये आज की है ये माशाल्लाह। अच्छा उस्ताद जी, मतलब आपने अब सेंचुरियाँ इस हवाले से इस सीज़न में मतलब कितनी मारी हैं आप? जे आठवां आज जो है ना उड़ान है ना जी, पहले दिन 94 घंटे बने हैं 10 कबूतरों के साथ, एक कबूतर नहीं था बैठा। दूसरे दिन 10 कबूतरों के साथ 134 घंटे बने थे, एक रात रह गई थी, सुबह वापस आ गई थी। फिर तीसरे दिन 119 घंटे बने हैं 11 कबूतरों के साथ। फिर चौथे दिन 121 घंटे कुछ मिनट बने हैं, उस दिन भी 9 कबूतर बैठे थे, 2 रात रह के अगले दिन आ गई थी। 2 रात रह गए हैं तो 119 घंटे बने थे, वो भी बैठ रहे थे बस, फिर नहीं बस नहीं, में था। तो फिर मौसम खराब हो गया बारिश की वजह से, सारे कबूतर गीले हो गए, उस वजह से 46 घंटे बने थे। फिर काफी नुकसान हुए हैं वैसे कबूतर पूरे नहीं बने जी, जी कुछ 200 के बने थे लेकिन 46 के साथ उन्होंने टॉप 10 कबूतर 9 कबूतर नहीं बैठे, मेरे पास कबूतर थे जो 11 के 11 बैठ गए। और अल्हम्दुलिल्लाह गुजरांवाला के 3 रोजा टूर्नामेंट, 5 रोजा टूर्नामेंट और 7 रोजा टूर्नामेंट अल्हम्दुलिल्लाह सब में चैंपियन हो गए हैं। एक आज टूर्नामेंट जो तीसरा दिन का था वो छोड़ के बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कोई 20-22 कप हैं जिनमें से 15-16 कप में अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही पोजीशन में, बाकी कोई छोटे लोकल कप थे जो 3 दिन के उनमें से हो सकता है दूसरी पोजीशन भी आई हो। बाकी दोस्तों मेरी दुआ है जी उस्ताद नौमी गुज्जर साहब का, आपने जिस तरह से ये सारा देखा, इनका गुफ्तगू करने का अंदाज भी आपने देखा माशाल्लाह से, इखलाक बड़ा अच्छा है इनका, ठीक है। बाकी दोस्तों मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ और आज की कवरेज इंशाल्लाह दोस्तों सारी आपके साथ शेयर करूँगा। बाकी ये माशाल्लाह से इनके परिंदे बैठ रहे हैं तो ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट का दोस्तों आप जरूर वेट कीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट भी आपके साथ शेयर करूँगा जिस तरह इनके परिंदे आगे बैठेंगे। बाकी इजाज़त चाहते हैं, अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा। और मैं खुशी तौर पर अपने उस्ताद मोहतरम उस्ताद चौधरी मोइनवाज साहब के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ जी। जी उस्ताद, मेरे पास जो भी है यहाँ जो भी सारा मेरे उस्ताद चौधरी मोइनवाज को इसका क्रेडिट जाता है, वो ही जो भी उनके साथ ही हर टाइम मशवरा रहता है, हर टाइम कॉल पे बाजी से एक दिन पहले भी आए थे यहाँ, उसके बाद भी आए हैं माशाल्लाह, जो जैसा वो कहते हैं जो कहते हैं उनकी रहनमाई में सब हम, मैं भाई शफाक भाई यूनस हम सब मिलके उनकी रहनमाई में शो कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र अपने मेरे उस्ताद जी मेरे से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। उस्ताद चोरी मोइनवाज गुरमुख जिंदाबाद माशाल्लाह। दोस्तों ये देखें, ये मैंने उस दिन भी उस्ताद असलम भट्ट साहब की छत पर वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था, वो बाबा जी बोल रहे थे कि उस्ताद मोइनवाज साहब जो हैं उन्होंने अपना लोहा मनवाया हुआ है, अपना एक नाम बनाया, मैं ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान में पूरे वर्ल्ड में, ठीक है पूरी दुनिया में दोस्तों उन्होंने जो है ना वो अपना आप मतलब लोहा मनवाया हुआ है, अपने जो उस्तादी का रुतबा जो उन्होंने पाया है उनको मानना पड़ेगा कि वाकई जो है ना वो एक उस्ताद है, अच्छे प्लेयर है माशाल्लाह से। बाकी दोस्तों ये इनका एक परिंदा बैठ रहा है, छठा कबूतर बैठ रहा है। बाकी ठीक है दोस्तों, इनकी फिर लैंडिंग कबूतरों की सारी आवाज़ शेयर कर दूंगा, नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपने भाई को दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।